मार दे लेके पड़ा मारो मेरे बेटा मारे मेरे भाजी मेरे बेटा मार गया भाजी मेरे बेटा मार गया घर जमाई की जो है भैया लड़ाई थी जो दोस्त लड़के रहे दो ब्याह रखे है जो इसका पालन पोषण मैंने ढाई साल दो साल पाला है इसका पीड़िया का कराया है कब जो भी इसका पालन पोषण कराया उसका पैसा चाहिए हमने उसका 2.5 लाख रुपए मांगा उन्होंने उसकी वो खुद मोनिका थे उन्होंने मतलब कि अपना देवता ना पालन खातर जो है 2.5 लाख रुपए की डिमांड हाँ जी बोले मैंने पाया है तू कौन बेटा बेटी आज जो फिलहाल है भाई अपना कौन सा गांव है भैया रामकली गांव में पहुंचे यहां पे जो है एक मतलब की इल्जाम लगाया जा रहा है परिवार के ऊपर झूठा है सच्चा है सारी की सारी बात करके बताऊंगे इनको क्या कहना है कि जो लड़की है छत के ऊपर था घेर का ससुरा मतलब की उनके घर वाले का कहना है लड़की घर वाले का कि जो है मौत कर दी गई है तो सारा का सारा मामला अपना हम बताएंगे कि किस तरह का जो है यू मामला होया था यू सच्चा है या झूठा है तो उनके भतीजे खड़े हैं अपने दौरे जिनके जो मतलब कि गुजरे हैं उनके भतीजा जी खड़े हैं तो इनता भी सारी बात करवाएंगे और लेडीजा भी आपकी बात करवाएंगे जिन्ना वा शुरू में उठाई थी तो सबसे पहला राम राम भाई राम राम तो भाई के मामला था यू कुकर के मामला हुआ था जी मामला जी सा था यो कोई रोड़ा रब्दा नहीं था किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी हम भी मैं भी बाहर जा रहा था जो मेरे बड़े अंकल जी हैं उनके साथ में हम गए थे बाहर ने तो किसी काम से दूसरे गाँव में जाने लग रहे थे हमारे पास में भी फोन आया है भाई उन्होंने फोन करके बताया कि भाई ये जो लड़की वो औरत है वो छत से गिर गई है एक बार आ जाओ जल्दी हम भी वापसी रास्ते में आए हैं तो आके ना हमने देखा कि भाई वो अंदर लेके गए हम भी सीधा मैं खुद अंदर गया हूँ जाके उनको गाड़ी के पास में फ़ोन वोन कर रखा था गाड़ी बुलाई है तो हमने अड़बड़ाहट में हमने कुछ भी नहीं सूझा उसका ये देखा नहीं कि भाई उसमें ये हो रहा है कुछ नहीं हो रहा हमने पूछा भी नहीं है कि भाई किसी तक क्यों किस तरह हुई है हमने तो सीधी वो गाड़ी बुलाई है गाड़ी के अंदर लेके गए हैं उसने मेडिकल के अंदर मेडिकल में जाते टाइम में उसका लगभग मेडिकल से लगभग 5-7 किलोमीटर पहले जो मेरा अंकल हैं दीपक वो ने अपनी गोद में लिए हुए थे गाड़ी में बैठ के तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप गाड़ी को वापसी कर लो इसमें तो अभी सांस नहीं रहे हैं तो हमारे जो एक डॉक्टर हैं जो हम यहाँ पे गाड़ी ले रहे हैं जो ड्राइवर है वो बोले भाई ठीक है जो कि में भी हो गया वो हो गया लेकिन पोस्टमार्टम तो जरूर करवाएंगे हम लेके गए हैं मौके पे फिर वहाँ पे जाने के बाद में ईसीजी वगैरह डॉक्टरों ने किया उसका देखा है चेकअप तो उन्होंने मौका वारदात उस पर बताया कि भाई ये तो अभी नहीं रही है इनका सांस वांस नहीं चल रही है अभी ये मृत घोषित हम कर रहे हैं ठीक है तो ये बात है जी और कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह कोई बात नहीं है हमारे पड़ोसी हैं घर के घर दीवार के दीवार भी लगे हैं तो आस पड़ोस में ही हमारे चमार बिरादरी के भी हैं जाट बिरादरी के भी हैं तो मतलब कोई उनका भी यही कहना है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का ना कोई किसी प्रकार की आवाज़ आई है अच्छा जो जिस टाइम में ये हादसा हुआ है उस टाइम में मतलब 2 ही मिनट का ऐसा टाइम मिला है उन्हें कि भाई वो ये हादसा हुआ है क्योंकि जो मेरे अंकल जी दीपक वो उनके पास में ही थे पूरे दिन से सुबह से उनको थोड़ी मेंटली पूरा दिन उनके पास थे तो इसका क्या कारण है कि पूरा दिन उनका वो सुबह सुबह 5 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी कोई मेंटली हरासमेंट थी उनके तो उस वजह से वो सुबह पूरा दिन उनके पास में रहे थे अच्छा जिस टाइम में ये हादसा है उस टाइम में जो टॉयलेट बच्चा है हमारा मेरा भाई है जो 2.5 साल का है दीपक का लड़का है जो वो 2.5 साल का है जो मरने वाली है उनका एक उनका हाँ, उनका, उनका एक लड़का है वो 2.5 साल का है वो बोला कि भाई मैं छींची करूंगा तो बोला ठीक है मैं करवा दूंगा दीपक बाहर ना आया वो मैडम थी बाहर दीपक की वो अंदर थी तो उसने दिखा कि नीचे के पापा है वो पापा तो आवाज़ लगाई जो मेरे दादाजी हूँ तो आवाज़ लगाई उन्होंने कि भाई आप आ जाओ ऊपर हैं और ये भाई छींची करेगा तो मैं राख ले आऊँगा नीचे तो आप थोड़ा देख लियो भाई ने करी बोला ठीक है तो वो जैसे ही दीपक तो नीचे आया राख लेने के लिए और जो मेरे दादाजी हैं वो ऊपर चढ़े हैं तो जिस तरह भी एक दो तीन पेड़ी नीचे ही थे ऊपर छत पर चढ़ने थे पहले तो उन्होंने देखा कि भाई एकदम वो जो मेरी आंटी है थी वो अंदर से निकली है और वो दीवार सी है छोटी सी बना रखी है उसके ऊपर चढ़ी है और वह ऐसे ही गिर गई है उन्होंने देखा है ये चीज़ पर वो उनके हाथ पैर फूल गए उनके भी कोई मतलब ये हो गया कि भाई बहुत बड़ा अच्छा है ये तो एकदम चली गई उनके हाथ पांव फूल गए घबरा गए वो भी अच्छा फिर वो नीचे आए जैसे ही नीचे गिरी है तो गली में एक दो जना बैठा था ताश खेलने वाला तो उन्होंने देखा कि भाई गिरी है आवाज़ बनी एकदम वो भी भाग के आए भाई के बात हुई किस तरह पड़ी है तो वो उठाई उन्होंने फिर सुन के ना ये आवाज़ सुन के ना एक दो लेडीज़ है वो भी आई हैं भाग के उन्होंने भी उठाई है वो
फिर उसने मेरे अंकल है जो दीपक वो नीचे आए हुए थे राख लेने के लिए, वो भी झट से बाहर निकल के आए हैं, तो वो खुद भी साथ में फिर उठा के लाए हुए। तो लड़की के घर वाले क्या आरोप है कि लड़की पहले ही मर रखी थी, मारी मोरी भगाई सी। आरोप तो देखो कितने भी लगा लो, आरोप बिल्कुल एकदम नाजायज हैं, बिल्कुल कोई उनमें सच्चाई नहीं है किसी प्रकार की। वो हमारे सीसीटीवी फुटेज भी है, हमारे जो परिवार है उन्होंने लगा रखा गली में। उस कमरा में तो एक और बात बताई जा रही है कि जो फिलहाल आई ने जो है 2-3 महीने हुए थे। हाँ, दो महीने हुए, दो महीने हुए थे। तो इतना टाइम किसी लड़ाई झगड़ा में जा रही थी है कुकर जी? लड़ाई झगड़े तो जी ऐसा था, जिस दिन तक वो हमारे मतलब आई है ने, जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन के बाद में ही मतलब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा का करके ना वो वहाँ पे ले गए हैं। उन्होंने केस भी कर रखे थे पहले भी, एक भाई मारी बेटी तंग रहे, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे गाँव में तो पंचायत भी गई है, उनके गाँव की भी पंचायत हुई है। एक दो फैसला जो कोर्ट का मामला था वो उन्होंने खुद भी मिलकर ने उठाया भी है। एक जो केस था वो हमारे पक्ष में भी आया था। अच्छा, हाँ। तो अब वो 2 महीने तो यहाँ पे आई थी। तो 7 दिन कितने साल हो गए थे? पूरी बात बताओ, कौन सा काम की थी लड़की? जी गांव था उनका चंद्रबेणीपाल। बिल्कुल, 7 दिन जी लगभग 6-7 साल हो गए थे। अच्छा जी, पहले ने कोई साथ सोया उसने कोशिश करी उस चीज की? ना, उसने पहले तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जी के उसने कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करी हो। अच्छा, हाँ। बाकी उसकी माँ ने बहुत प्रताड़ित करी थी, वो जब भी अभी आई थी तो उस टाइम में भी उन्होंने बोला है कि भाई वो खुद उनका बताना है, जो उनके गाँव के उनमें तभी बताया कि भाई ये तो इतना करके आई। वो उसने खुद भी आने के बाद में बोला है कि मेरे साथ में बहुत मतलब अत्याचार करे जा रहे हैं, मेरी माँ बहुत अत्याचार कर रही है और मन लेके चले जाओ। लड़की या परिवार वाले ने एक और आरोप लगाया कि लड़का नशा करे करता। जी कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। जो ये आरोप तो जी कितने भी लगा लो, नशे का है वो, दीपक है मेरा अंकल है उसका मेडिकल भी हो जाएगा, वो तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नशे की बात कर लग रहे हैं लड़का, चारों भाइयों में से किसी के पास कोई नशे के कोई प्रावधान नहीं, इनमें से चारों में से कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करता। खाली लड़के का बाप है, खाली बीड़ी पीता है और इस परिवार में कोई भी नशे का किसी भी नशे का कोई भी आदमी नहीं है। ये सरासर गलत आरोप है। जिसने भी ये आरोप लगाया है कानून से मेरी रिक्वेस्ट है इस आरोप को छानबीन की जाए। अगर लड़का अगर नशेड़ी है, लड़के की जांच की जाए तो हम अपने उसको आरोप को मान लेंगे। एक और बयान उनका कि पहला भी एक कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस किस चीज का चल रहा है जी? वो उन्होंने दहेज का भी केस लगाया था। केस ला रहा क्या था? बाकी इसमें हमारे तो हम तो भी जी बिल्कुल दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। मेरे बड़े अंकल जी की शादी हुई है तो उसमें हमने बिल्कुल भी दहेज का कोई भी सामान नहीं लिया, ना कोई पैसा, कोई डिमांड हमारी कुछ भी नहीं थी। हालांकि वो उनके ससुराल पक्ष था, वो बोल रहा था कि भी हम तो दहेज अपनी बेटी को दे रहे हैं, आपको थोड़ी ना दे रहे हैं। तो हमने जो वो दहेज वो भी नहीं लिया था। तो ये बात आप मतलब पता कर सको, जो मेरे बड़े अंकल जी हैं उनकी ससुराल में भी जाकर पता कर सको, वो सारी बात बता भी देंगे। जो दीपक के बड़े भाई हैं वो उनकी ससुराल वाले भी बता देंगे ये बात, तो कि भाई कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया इन्होंने। ठीक है जी, कोई डिमांड नहीं है जी। जो उनकी माता जी हैं लड़की की, क्या नाम है मृतक का? जी मोनिका। मोनिका की माँ है जो, उसका कहना है कि मेरी मतलब की लड़की को नशे की गोली दी जा रही थी जी। साहब मेंटली तौर पे जो टॉर्चर नहीं, नहीं देखो जी, मैं अगर कोई नशे की टैबलेट कोई अगर के का गिरसारी छण नहीं पड़ा है और उस गांव की माँ हूँ। अच्छा, आप उसे गांव के? उस गांव की, और 70 साल की होगी और एक ना दो ना 10 शाम उसे गांव के। तो क्या लगा आपने इस बात में कितनी सच्चाई है? जब वो जी क्या कह भी नहीं था जी, कोई दुखाली बात नहीं थी जी, और जीवा सुख शांति से सूत्र डाल रहा कर दी जीवा। हाँ जी, उसका दिन हाँ जी, माए बोरी है सारे बेकार। हाँ जी, ना तो जी कोई इसमें एफबीआई बात नहीं थी जी, हमारा गरीब परिवार जी एक है जी। ठीक है, कैसा काम करो तुम्हारे ना, तुम्हारे गेल भी कर देंगे जी। हमने क्या साल हो गए जी, हम ना मारे नू है 12 साल तुम्हारी शादी नहीं होगी जी। यो या बात है जी, और कोई नशा नहीं जी, चार भाई मार कुण काम कोई भी कौन करता जी। अच्छा, कदे ऐसा काम देखा आपने कि दो जने लड़दे जो ना जी? मतलब भी नहीं जी, कोई ना देखा जी लड़दे। मेरी तो जी भतीजी है, दुखर है। मेरी बुआ लग गया ना, मैं उसकी बुआ लग गया करती जी, वहाँ मेरी भतीजी है। हरिया मेरी बुआ है जी, कौन कदे ना लड़ा। और मैं तो जिस दिन फेट के भी आई थी उसके पास, तो आपने एक बार भी फोन करके आप ऑर्डर क्यों किया कि आप निर्दोष है जो उन्हें क्यों सजा दिलवाने पे तुल रहे हो?
पंचायत भी हुई है तो आपने बोलिया है कभी आगे ना जिन्हू तो नहीं बोला जिन्हू तो फिर आपने बोलना चाहिए जिन्हू तो निर्दोष है जो नहीं बोला जिन्हू नहीं बोला जी हां जी हां जी जिन्हू नहीं बोला जी किसी के साथ उसका मेल नहीं है। जिस तरह जिस टाइम पे ये हादसा हुआ है उस टाइम पे भी एक फोन वोन करे हैं कि भैया आपकी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हादसा हो गया, वो सच्चे छलांग लगा गई हैं। तो उनके पास में वो उन्होंने कहा जवाब था पड़ोसियों का कि भाई हमारे पास में कोई ऐसा कॉल वोल मत करो कि जो भी जानकारी देनी है वो आप उनको ही दो, उनकी माँ है उनके भाई है भाभी है उनकी उनको ये जानकारी दो, हमारे पास कॉल मत करो, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। ठीक है, जैसा कि आपने एक और बात बताई थी कि जो है उसका इलाज चलाया था रोहतक में, तो आपके पास कोई कागज पत्र की चिट्ठी? हाँ, बिल्कुल है जी, कागज है, कागज पत्र सारी रिपोर्ट है जी। क्या तो रहे जी इसमें दोए कागजा में 2018 से दुआई बंद हो रही है, अच्छा, इसका क्या कारण है जी? 2018 आई थी उनकी माँ ने खूब जखड़ जो लेकर जी खूब रे रे माटी करी मारी रिपोर्ट ला ला के ने, फिर भी हम हाथ जोड़ते रहे लाते रहे उसको। के कारण लग गया जी अपने झगड़ा का कि बार बार एक के बात नहीं बार बार एक आधा चंडाल मानस हो जा करे जी, वो अपने बैल खींचा करे जी। इसका दो बहू आ रही है लड़के हैं, वो भी इसका घर से रवाना है, खसम भी इसका रवाना है, जम्मू में बैठा हो भी घर पर नहीं रहता जी, उसने समझा वो भी नहीं आया करता, एकली सांडनी घर घर पर है जी बस। हाँ जी, ओरा से काम लेती है जी, मतलब कदे भी नहीं थाना में जब आप गए हो उसका लड़का या फिर उसका घर वाला साथ में नहीं आएगा? तो बात करने की कोशिश करनी करिए एक बार भी कि भाई न्यू करने लग रही है वो जी, करी है खूब करी है जी, पर वो बोल रहे हैं कि हमारा तो मान ही नहीं रहे, हमारी तो कोई बात मान ही नहीं दे रही है। पंचायत और गए बोलो है, पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या फैसला है कि मैं राह लग दी बात कही है किसी ने वैसे न्यू राह लग दी? तो जी उनका जो पूरा गांव है वो जिस तरह बोल रहा है कि भाई वहाँ पे जो ये हादसा हुआ है वो आत्महत्या कर रखी है उन्होंने, ऐसा कोई कदम नहीं उठा रखा लड़के ने कोई भी मारपीट करके या फिर कोई मर्डर का है ऐसा कुछ आरोप नहीं है उनके गांव का जो कहना है, लेकिन वो जो उसकी माँ है वो नहीं मान रही इस बात को। उनके घर कैंसर 4 जने पर मुकदमा कर रखा है जी, उसमें कहें गिरफ्तारी हुई है जी? गिरफ्तारी तो जी सारे की हो रही है हमने तो, हाँ सारे की जिनके नाम लिखवा रहे हैं मुकदमा जी, मुकदमा कौन कौन है परिवार में जी? मुकदमा कर रखा उन्होंने खुद दीपक पे कर रखा है, उनका पापा है उन पे कर रखा है, और जेठ है उनका, उनके पिताजी राजवीर, दादा लागे जो मेरे उनके उनका नाम है राजवीर, और मेरे बड़े अंकल है उनका नाम है संदीप, और मेरी आंटी के ऊपर भी केस कर रखा है जिनकी उनकी तो बिल्कुल तबीयत इतनी खराब रहे वो 10-15 दिन तक बिल्कुल उनकी हालत खराब है, तो उनका भी उन्होंने नाम लिखवा रखा है। वो तो वो तो बिल्कुल उनका तो इतनी तबीयत खराब थी कि वो भाई बेड रेस्ट मिल रहा था उन्हें, तो वो तो चल फिर भी नहीं सके थी, उसका भी नाम उन्होंने साथ में लिखवा रखा है। एक और मामला है जी कि जो है पहला मार्क ना छत पे फिर गिरी गई ना जी साहब, वो सीसीटीवी कैमरे फुटेज है जी, वो सीसीटीवी कैमरा भी जरूर क्या होंगे ये बात जो ठेला है देखो हां तोरा भी कोने कैमरा में देखो कैमरा में मार के गिर रखी एक और भी सर पे लकड़ी का पड़ी है मारा छोरा ने जो आए वो पहले तो जीन तात मार छोरा भाई क्या जा इस साइड में ठीक है लास्ट कलम मिलेगी वो वहाँ से जिन से आए ना आन देख सत गल्ला पुलिस की गाड़ी आ ली वो मैं बड़े बाणिए भी आ रही है वो सारे पंचायत हो रही थी और पुलिस आए नीने नीने बिगे महाराज छोरा ने बुला के भीतर से वक्का मिले तीन जने लेकिन सदीपक बुलाओ मिले वो बैठा बड़ा भाई बुला लिया मिले भाई आज पूछताछ होने दियो मारपीट करी है बंदूक पकड़ के खींच के लेके और मार दे लेके पड़कार में कौन से मारे मगर भाजी मेरे बेटा मार के भाजी मेरे बेटा मार के अच्छा आप माता जी होंगी मैं मौसी हूँ अच्छा मौसी हाँ मनिका की मौसी हूँ और मनिका की मानू कर दी वो आसे फोन कर दी लेके जा मेरे चेन गाड़ी लेके जाता मार छोरा किराए पे को घर की गाड़ी है तेल के भी लागे है कार बिना नहीं गया पूरा जानते गंदा बोले लाग जाती नुकन दी मैम में प्लाट दे क्या भर ली फिर मैम रो इनकी लड़ाई या थी लड़का भी हो लिया लड़का होने से पहले भी
या उसने पेंडा नहीं छोड़ दिया, मतलब घर जमाई की जो है भाई हाँ। लड़ाई थी जो दोस्त लड़के रहे दो ब्याह रखे है ना दोनों बहुत छोरा उसके रोतक है कसम उसका जमूरब है मनी का नहीं मरा गनू बताया के ना मम्मी मम्मी कहा कर दी मैंने मम्मी मैं मेरी बुआ का ब्याह था मैं ब्याह में जाना शादी में जाना था मैंने मेरी मम्मी ने क्या करा कान की भी पैर की भी चुटकी भी चूड़ी भी सारी कटवा कर रखती नहीं मेरे से सूट दिया मैंने सूट मांगा तो मरने लगी नोबल तेने क्या चाहिए तो फिर मैं है ना मम्मी मेरे चाचा के लड़के का सूट पहन के मैं शादी में गई है गाल में घेर के न पड़ोसिया ने बेरा गाल में पिटिया कर दी उसकी माँ हाँ मतलब मम्मी ने जो है अपनी लड़की ने अपनी लड़की ने पिटा कर दी। अब जो दो महीने पहले जो वो आई है बिल्कुल उसकी इतनी टोर्चर कर रखा था उसकी माँ ने दो बिना से बहुत ही ज्यादा टोर्चर कराया था कि भाई मेरा बिल्कुल एकदम हालत खराब कर रखी है मार पीट करे है गाड़ी गलौज करे है दो साल मतलब की अपने मायके में रही तो कदे लेने भी गया था जी लेने का तो जी केस कर रखा है मेरी आंटी थी जो जो एक्सपायर हुई है वो खुद शादी का कपड़े थे लहंगा चुन्नी थी वो सब कपड़े अपने ले जा रही थी भाई भाई का सब ना होता है शादी में पहनूंगी गठड़ी बांध के अच्छा दो बैग भर के लेगी वहाँ अच्छा ई बुआ दो साल में आई थी कपड़े कितने ले आई थी पैरों में बाटा की चप्पल थी पुराना सूट था और बाड़ा बाड़ा लेके आई थी उसका पापा ने फोन करा अपनी मानू का है तू घर आ गई उल्टी ससुराल आ गई तू मुकाड ले आई और पी ले आई बोली कौन का है अपने जाके संभाल सका है नहीं तो मेरे पी ले आई ना मैं टूम ले आई और अपने संभालिए जाकर मेरा दर्द दोबारा तो बात फोन ना कर देगा मैं अपना घर आई हूँ लड़की के घर क्या एक और बयान है कि चार पांच दिन पहले टॉर्चर करने लग रहे थे उसका फोन था जो आपने छीन लिया था वो वहीं से जो आई थी उसके पास में कोई फोन नहीं था वो वहीं पे उसका मोबाइल छीन लिया था उनका लड़ाई झगड़ा उनके साथ में कर रखा था वो वहीं पे ले लिया था उनका मोबाइल जो आप मेन आरोप लाया है कि आपने मारे का घेरे तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया अपने बॉडी का बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा है जी मेडिकल में लेके गए हम खुद मेडिकल में हम लेके गए क्या है फिर अभी तक तो जी हमने रिपोर्ट मिली नहीं है जी मना नहीं कोई बेटी लड़का ने क्यों नहीं जाई बोली मम्मी लड़का मेरे से दिया नहीं मैं कई बार आने की कोशिश कर दी ना लड़का ने ले जान दी ईब की बार मैंने सोची लड़का तो आ जाएगा लेकिन मैं जाऊं पहले तो ईब जो आई थी अपनी इच्छा आई थी लखन मदरा को उसने फोन करा के दीपक मैंने ले जा मैं बोला ईब के बात होगी उस दिन के डट रही थी मैं बोला नहीं इम्मा मेरी माँ ने तो मैं परेशान कर दी और मार कूट कर रहा है मेरे से रोज अच्छा ढाई लाख के क्या छोरा दिया जी वो जी जी जिस टाइम में वो लड़का दिया उन्होंने वो बोले कि भाई हमने जिस टाइम पे वो लड़का देने के लिए अभी आए थे दो महीने जिससे वो दो महीने से आई थी वो चार लड़का था वो लेने के लिए गए थे तो वो बोल रही थी कि भाई मेरे को जो इसका पालन पोषण मैंने ढाई साल दो साल पाला है इसका पीड़िया का कराया है जो भी इसका पालन पोषण कराया उसका ऐसा चाहिए हमने उसका ढाई लाख रुपए मांगा उन्होंने उसकी वो खुद मोनिका थे उन्होंने मतलब कि अपना देवता ना पालन खातर जो है ढाई लाख रुपए डिमांड हाँ जी नु बोली मैंने पाया है तू कौन बेटा वाली बेटी थी नु बोली तू कौन बेटा वाली मैं हूं मैंने पाया है नु बोली हम बोले मैं तन्ने की पड़ा मैं भी तो थी यार अगले के लिए कौन जान तू तन गाल दे कौन नु बोली पर ढाई लाख रुपए दे देंगे लड़का ले जाएंगे करीब जो लड़का है जी वो कहाँ पर है लड़का और क्या लड़का ले उसने वो ढाई साल का लड़का है ढाई लाख रुपए देकर आए जी वो भी पड़ोसियों ने दिलवाया वो लड़का लेने गई शोरूम में वो अच्छा बुढ़ा बोला लगी साहू सासू गई या ताई गई ताऊ गया दीपक का पापा गया दीपक गया वो भीतर नहीं बढ़ दिए गाल में गंदा बोला नरा दो ताऊ जा रहे थे अच्छा ये भीतर नहीं बढ़ गई अच्छा गंदा बोल जा तू लोग की तिसाई है तू लोग की भूखी है चार वहां का बढ़ जा तू सब गांव के बढ़ जा वो उल्टी आ गया अपना मुंह लेके फिर वो गई सरपंच के दूसरी बार सरपंच ने बोला दादा चाह तुम्हारा छोरा दुआ दे नहीं मैं दरखास्त दूँ सरपंच ने बोला बेटी फिर आइए तू मैं छोरा लड़का दुआ दूंगा तेरा वो लड़का लेने गई चार पांच दिन पीछे और वो रोता उसके भैया दौरा बाज गई अपने बेटे दौरा गई वह लड़का लेके हाँ सरपंच सर उड़ा गया जब वहां से लड़का दुआया तीसरी बार जाके हाँ तो चलो एक बार भाई वह जगह दिखा दो जड़ा था जो है छोड़ा लगा
खुदकुशी आत्महत्या भाई आई बे कन्फर्म नहीं है। देखो यहाँ ताश खेल रहे थे। अच्छा तो यहाँ देखो भाई ताश खेल रहे थे। यहाँ ताश खेल रहे थे पूरा जो बूढ़े थे भाई ताश खेल रहे थे। शाम को चार बजे डांगर पानी पिलाने भी जाते हैं। मकान कौन सा? मकान ये मकान है जी। कहाँ तक गिरी है जी? उसके पास में जब वो गिरी है तो उसके पास में कोई नहीं दिख रहा है। वो अकेली अंदर से बाहर आई है और यहाँ पे आके उसने ये कदम उठाया। अच्छा जी। जो मौके पर डेड हो गई थी अस्पताल में? नहीं, मौके पर डेड नहीं हुई थी जी। वो लगभग मेडिकल से 5-7 किलोमीटर पहले उनका ये हुआ था जी। मतलब जो गांव से डॉक्टर जा रहे थे उन्होंने बता दिया था? हाँ, मेरे साथ में जो गाड़ी लेके गए थे वो मतलब वो डॉक्टर करते हैं, जो एक लोकल डॉक्टर है वो। हाँ, गांव में ही रहते हैं वो, उनका क्लिनिक है। तो वो बोले कि भाई ठीक है, जो कुछ भी हो गया वो तो हो ही गया है, लेकिन अब अपना मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मेडिकल में लेके ही नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, हम क्या जरूरत थी हमने पोस्टमार्टम कराने की? हम खुद अपने आप लेके गए पोस्टमार्टम, और वो तो रिपोर्ट में भी साफ साफ आ जाएगा कि भाई इसके साथ में पीट करके गिर रखी है, पहले मार के, वो सब अपने आप उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा। तो जी, ये जो आरोप लगा रखे हैं ये एकदम बेबुनियाद लगा रखे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। तो आखिरी में मीडिया का माध्यम था अपना गांव राम खड़े चुकड़ता दिखाते हैं, सारा गांव खड़ा है मीडिया का माध्यम था, और अपने समाज में के प्रशासन तक अपील करना चाहोगे अपने पक्ष में? जी, हम तो मीडिया के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से यही अपील करते हैं कि हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जो हमारे अंकल जी हैं, जो उन परिवार है उनका बुरा हाल है, उनको न्याय मिलना चाहिए जी। जी मतलब पूरे मतलब की सच्चाई की? हाँ, सच्चाई बिल्कुल, सच्चाई की तय तक जाया जाए। हम ये बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हैं कि भाई वो ना करें, भाई जो तहकीकात पूरी करके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। तो उम्मीद करा भाई आप तब मामला समझ में आ गया होगा। आप जिन जिला के रामकली गांव में थे, जो आगे की अपडेट होगी वह भी अपना चैनल पर देखने मिल जाएगी। तब तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हरियाणा, जय हरियाणा। एक बात और कहना चाहता हूं। हां जी, हां जी, बोलो जी। हमारे मीडिया से बीच में गुजारिश है जी, अगर उसकी माँ सही थी तो 1.5-2 महीना हो गया उसको आए हुए, एक बार भी उससे मिलने नहीं आई हुआ, और ना इसका हाल चाल पूछा जी, या है या हड़ है या नहीं है, और ना पूछा हमारी बेटी सही है या नहीं है। ये उसके बाद उसकी कैसे उठा कर प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है जी। जो परिवार था तो उसके 2 घंटे बाद ही जो है डेथ हो गई थी। गांव में था वो 1-2 दिन पहले आया था, 1-2 दिन पहले की बात है। उनका बताया ही थी उसका लेकर आता मोती जारा। अच्छा, वो ऊपर मतलब बेड पे थी, उड़े उसको बतलाई खूब, दादा मैं ठीक करूँ, साफ पानी पियाई है, उसकी गलती यार आगे नू नहीं बताई, मेरा मोती जारा बन गया है। हाँ, दवाई दिलवा मोती जारे का कारण है। उसने सुबेरे 5 बजे उसका टेंशन बन गई। हाँ, अरे 10 दिन पहला उसका मन से 10 दिन पहला किसके दौरे पेट का गई वाले भाई 10 दिन पहला इनका दौरा थोरी का काम है ना बुलाई इतनी काम को लुगाई। उन्होंने भी यह बात कही है कही है यह बात ये जिम्मेदार मत है जी, इनके पास आई है हमारी ये आगे गली में जानदी भी आई है, अगर पूछे उड़ मार दो रखड़ी हो के उसने और चाय पानी पिया है, वो जानदी आन भी ओका पी के गया हो लोग भी ये बात मुंह भी नहीं कैसे जब उन जिक्र दिया उनके जाने के बाद मजबूर हो गया। ठीक ठीक नहीं है कौन का रोक हम ये भी लगा सकते रोक बला बिना भी कौन पकड़ते जा रंडी जाके ने राज्य ले ताड़े उल्टे वाला बिना भीतर हमने केवल अभिष्टि कर दिया, भगवान ने कर दिया। हम तो भगवान का ओकरा भाई भगवान ने इतने दिन के लिख रखे थे भाई, हमने तो इंसाफ चाहिए भाई। बस अपनी माँ की सताई हो रही है। ठीक है, और भाई किसी ने कुछ कहना है कि नहीं? अरे सारे भाई के झूठे आरोप ला रखे इनको तो। मैं गांव में जाकर छोटा सा छोटा बच्चा पे पूछ लियो, अगर सच्चाई निकले ना सारे गुनाहगार हैं। ठीक है, और एक गांव में जाकर छोटा बच्चा ने पूछ लियो कि भाई शराब पींदे हो, नशा के आदि हो, किसी भी चीज के, सबत गाँव में कोई कमी नहीं, सबत गाँव में राउंड लगा लियो कम से कम 35-40 घर है इस परिवार के, सबत गाँव में पूछ ली इस परिवार में के
वो पहला केस इसकी माँ ने लगवा रखा है, जो दीपक की सासू है उन्होंने लगवा रखा है वो पहला केस, उससे पहले का कोई केस नहीं है इनके ऊपर। उम्मीद करावा सारे भाई मामला समझ में आ गया, ससुराल पक्ष सही पूरा दावा करावा, सारे सबूत ले रहा है। जो भी आपने विचार लगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर देनी है, और आगे की अपडेट जो आप अपना चैनल पर देखते रहियो, जुड़े रहियो जब तक।